नमस्कार दोस्तों, हम लोग आज के लेक्चर में फ्रांस की ही क्रांति के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे और देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति का क्या महत्व, दूरगामी महत्व, कुछ महत्वों के बारे में हम चर्चा कर भी चुके हैं और आगे की जो इम्पोर्टेंस है फ्रांस की क्रांति को, उनके बारे में चर्चा करेंगे। फ्रांस की क्रांति ने फ्रांस की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जो परिस्थितियां हैं और प्रणाली हैं, दोनों में ही आमूलचूल परिवर्तन कर दिया। फ्रांस की क्रांति केवल एक कोई नेशनल इंसिडेंट नहीं था, बल्कि ये एक ऐसी क्रांति थी जिसका दूरगामी प्रभाव पूरे यूरोप पर पड़ा, क्योंकि इस क्रांति में स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व के जो प्रमुख सिद्धांत हैं उनको प्रचारित प्रसारित किया था। इसीलिए फ्रांस की क्रांति का अंतर्राष्ट्रीय महत्व भी है। फ्रांस की क्रांति ही है जिसने पूरे यूरोप के इतिहास को बदल कर रख दिया। फ्रांस का जो नायक बाद में नेपोलियन बोनापार्ट के रूप में उभर कर आया, वो पूरे यूरोप का हीरो बन गया, पूरे यूरोप का नायक बन गया। केवल फ्रांस तक ही वो सीमित नहीं रहा। इसी तरीके से जो जॉन स्टीवर्ट है, उन्होंने क्रांति के महत्व का वर्णन किया है। उन्होंने ये कहा कि फ्रांस की क्रांति पूरे यूरोप में सबसे महत्वपूर्ण क्रांति है और फ्रांस की क्रांति के परिणाम आज तक महसूस किए जा सकते हैं। 1789 के बाद में तो ये कहा जाने लगा, जब फ्रांस की तबीयत खराब होती है तो पूरे यूरोप चीखने लग जाता है। इसका प्रभाव बहुत, इम्पैक्ट जो है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहा है। फ्रांस ने पुरानी व्यवस्था जिसको आंसिया रजीम कहा जाता था उसे खत्म कर दिया। सामंतों की जो ताकतें हैं, पावर्स हैं, उनको नेस्तनाबूद कर दिया और आम लोगों को राहत पहुंचाई गई। इस फ्रांसीसी क्रांति का ही प्रभाव था कि जो पुरानी प्रणाली न केवल फ्रांस में खत्म हुई बल्कि अन्य देशों में भी, यूरोप के जो अन्य देश हैं वहाँ के लोग भी पुरानी प्रणाली के विरुद्ध, पुरानी प्रणाली जहाँ पे सामंत और पादरी वर्ग बहुत ही पावरफुल वर्ग होता था, भूमि का ज्यादा हिस्सा इन्हीं लोगों के पास में होता था, इन लोगों के विरुद्ध आम जनता में आक्रोश की भावना उत्पन्न हुई। नतीजन जो 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 प्रिविलेज्ड क्लास थी वो अपनी प्रतिष्ठा जो पहले वो एंजॉय कर रहे थे वो अब प्राप्त नहीं कर सके, और आम जो जिन देशों में आम नागरिकों को राहत नहीं मिली थी उन लोगों में भी फ्रांस की जैसी स्थिति होने की आशा की जाने लगी। इसलिए हमें ये मानना पड़ेगा कि फ्रांस की क्रांति ने जो प्रिविलेज क्लास है उसको तो एक तरीके से डिस्प्लेस कर दिया। यद्यपि अभी भी क्योंकि कुलीन वर्ग जो थे वो संसाधन संपन्न थे, इसलिए स्थानीय निकायों में आज भी उनकी इम्पोर्टेंस थी, लेकिन इसके बावजूद भी अब वो उस तरीके से शासन करने में सक्षम नहीं थे जिस तरीके से वो बुर्बो वंश के या लुई 16 के टाइम में इंजॉय कर रहे थे। उस तरीके का शासन वो अब नहीं कर सकते थे। यद्यपि नेपोलियन ने भी कुछ कुलीन लोगों को ही प्रशासन में जगह दी, जो कि पहले भी प्रशासन में ही हमेशा से रहे हैं। चर्च के अधिकार उनको भी अब कम कर दिया गया। जो टिथ टैक्स लिया जाता था चर्च के द्वारा उसको भी कम कर दिया, उसको भी बंद कर दिया गया। लेकिन इन सब के बावजूद भी, और रिपब्लिकन्स ने भी चर्च की जो स्पिरिचुअल सत्ता है उसके विरुद्ध रीजन की सत्ता को इम्पॉर्टेंस दी, इन सबके बावजूद भी चर्च का जो प्रभाव है वो लोगों के दिलो दिमाग पर बना रहा। कृषि सुधारों को बहुत ही महत्ता दी गई यहाँ पे। जितने भी जो कुलीन वर्ग के लोग हैं और जो पादरी वर्ग है जिन लोगों के पास में बहुत सारी भूमि थी, उन लोगों से भूमि छीन कर करके सामान्य लोगों को दे दी गई, और इसलिए जो फ्रांस में जो किसान वर्ग था वो एक समृद्ध वर्ग के रूप में भरने लगा।
किसानों ने ऐसी स्थिति के बारे में, ऐसी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में कभी सोचा ही नहीं था और वो अब इस स्थिति को एंजॉय कर रहे थे। इसी तरीके से स्पेन और फ्रांस, यहाँ पर भी स्पेन, इटली और अन्य जगहों पर भी किसानों के सुधारों, किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए कार्य किए जाने लगे। 1861 में रशिया को भी अपने यहाँ पे जो सर्फडम प्रचलित थी उसको में जो सर्फ से उनको मुक्त करना पड़ा। मानवाधिकारों की घोषणा फ्रांस की क्रांति के एक महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है। यहाँ पे ये माना गया कि जो जो एब्सोल्यूट पावर है, एब्सोल्यूट सॉवरेंटी है, वो जनता में ही निहित है, और जो भी कानून बनाए जाते हैं वो जनता की इच्छा के द्वारा जनता के हित के लिए बनाए जाते हैं, जिनसे कि जनता का अधिकतम कल्याण हो सके। इसलिए प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो काम करे जिसमें जनता का हित हो। यद्यपि ये नियम बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए, लेकिन विचारधारा को प्रस्तुत किया और आगे 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 की जो स्थिति है उसको उसका मार्ग भी फ्रांस ने प्रशस्त किया। कुछ जो फ्रांसीसी शासक थे उन्होंने पहले भी जन कल्याण की बात कही थी, लेकिन वो उस तरीके से नहीं था जिस तरीके से मानव अधिकारों की घोषणा में जन व्यक्ति के अधिकारों को सबसे महत्वपूर्ण माना गया था। और साथ ही साथ मानव अधिकार की जो घोषणा थी वो केवल फ्रांस तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे यूरोप में उसकी महत्ता को महसूस किया जा सकता था। फ्रांस की क्रांति ने ये उदाहरण प्रस्तुत कर दिया कि जनता को ही शासन करना होता है और जनता ही शासन करती है, और लोग हैं वो ही देश को चलाते हैं, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से देश को चलाते हैं। कोई एक व्यक्ति की बकौती नहीं है शासन करना, जनता की, जनता है इम्पोर्टेंट यहाँ पे राज्य के लिए। इसी तरीके से फ्रांस की क्रांति ने प्रमुख सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व की भावना को के जो सिद्धांत है उनको प्रस्तुत किया जाना। पहली बार उन्होंने सार्वजनिक स्वतंत्रता की बात की, धार्मिक स्वतंत्रता की बात की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की, आंदोलन करने की स्वतंत्रता की बात की, भाषण देने की स्वतंत्रता की बात की, और क्रांति की जो विभिन्न समय में जो नियम और प्रणालियां लागू की गई उन सब में भी सार्वजनिक स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। नेपोलियन की जो लगातार विजय हो रही थी उसके कारण ही इटली, हॉलैंड, यहाँ पर भी सार्वजनिक स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बनकर उभरा। प्रेस की स्वतंत्रता स्थापित की गई और आगे के ही कुछ सालों में स्वतंत्रता एक एक यूनिवर्सल ट्रुथ बन गई और एक यूनिवर्सल एक्सरसाइज बन गई, जहाँ पे न केवल व्यक्ति की स्वतंत्रता बल्कि राजनीतिक स्वतंत्रता को भी इम्पोर्टेंस दी गई और उसे भी प्राप्त करने की कोशिश की गई। आम जनता ने ये मांगा कि प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी चुनाव चुनाव में वोट करने का अधिकार, प्रॉपर्टी जो है वो बेस नहीं होना चाहिए चुनाव में वोट करने के लिए, बल्कि बल्कि जो न्यूनतम विशेषाधिकार होने चाहिए, कोई भी व्यक्ति वोट दे सके, इस तरीके की व्यवस्था राज्य के द्वारा की जानी चाहिए। इन जो वोट को विशेषाधिकारों से नहीं जोड़ना चाहिए। और ये जो विचारधारा है वो इंग्लैंड में भी प्रचारित प्रसारित हुई और फ्रांस ने भी इसको धीरे धीरे अपनाया। इसी तरीके से समानता का जो सिद्धांत है उसे भी माना गया। उन्होंने कहा कि हर कोई व्यक्ति कानून के समक्ष समान है और कोई भी व्यक्ति धन के बल पर विशेषाधिकार प्राप्त नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति विशेषाधिकार को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है तो उसे खारिज किया जा सकता है। इस सिद्धांत ने स्वीकार किया कि व्यक्ति व्यक्ति को अपनी योग्यता और प्रवीणता के आधार पर सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार है, उसको स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति सिर्फ अपनी अपनी जो बर्थ प्रिविलेजेस हैं उनके बेसिस पर कोई सरकारी पद प्राप्त नहीं कर सकता। और ये साथ ही ये माना कि शिक्षा का अधिकार एक महत्वपूर्ण अधिकार है। भारत पूरे देश में एक भाईचारे की भावना हो बहुत ही जरूरी है और इसे देशभक्ति के साथ में जोड़ा गया। ये भी माना गया कि
कि देश के जो नागरिक हैं वो राष्ट्र निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, और जब ये व्यक्ति आपस में जुड़ करके काम करते हैं देश के हित के लिए, तो देश शक्तिशाली होता है और उनके संयुक्त प्रयासों से देश का भविष्य निर्धारित होता है। इसलिए भ्रातृत्व की भावना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानी गई। फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा नए रुझान प्रस्तुत किए गए। राष्ट्रीयता की भावना जो थी वो पहली बार उद्वेलित हुई, और समानता की भावना की हमने बात करी ली। जब फ्रांस ने अपने अपने जो विरोधी हैं उनके विरुद्ध युद्ध किए, जैसे नेपोलियन ने अपने विरोधियों के विरुद्ध युद्ध किए, तो वहाँ पर भी ये जो नई राष्ट्रीयता की भावना है वो प्रचारित प्रसारित हुई, और जिसके कारण क्या हुआ कि अल्टीमेटली जो जब नेपोलियन खुद ही निरंकुशवादी हो गया, तो ये जो राष्ट्रवादी भावना है, जैसे स्पेन के टाइम में स्पेन और पुर्तगाल के जो नागरिक हैं उन्होंने राष्ट्रीयता की भावना से ही उद्वेलित होकर के नेपोलियन को तो अपने यहाँ से पराजित कर दिया था, उसको भगा दिया था। इसलिए जर्मनी इटली का जो एकीकरण है, बालकन राज्यों में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए, उन सब के मूल में राष्ट्रीयता की भावना ही थी, और राष्ट्रीयता की भावना को कहीं ना कहीं फ्रांसीसी क्रांति से ही बल मिला था। फ्रांस की क्रांति का एक और सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है, जो प्रभाव है, वो ये है कि इसने पहली बार समाजवाद की बात की। इन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति प्रिविलेज नहीं होना चाहिए, जो संपत्ति है वो सबकी है, सामान्य संपत्ति है, और व्यक्ति ऐसा नहीं है कि एक समाज का एक वर्ग बहुत अमीर है और एक वर्ग बिल्कुल गरीब है। जितने भी जो विशेषाधिकार है उनको खत्म कर दिया जाना चाहिए, समाजवाद का खात्मा होना चाहिए, चर्च को जो सौंपे गए अधिकार हैं उनका उन्मूलन होना चाहिए, कानूनों के समक्ष समानता की बात की गई, और जो व्यक्ति अपनी गरीबी के कारण अगर अपना पैसा नहीं रिटर्न कर पाते हैं तो उन लोगों को कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए, इन सब की बात की गई। अमीर वर्ग की संपत्ति को जब्त कर लिया गया। ये इन सब कारकों ने समाजवाद की उनका बैकग्राउंड तैयार कर दिया, उसकी भूमिका तैयार करने में योगदान दिया, और साथ ही साथ ये भी देखा गया कि भ्रातृत्व की भावना से प्रेरित होकर के दूसरे देश के जो बड़ी पीड़ित लोग हैं उन्होंने उन लोगों को भी क्रांतिकारियों द्वारा अपने जैसा माना गया, उनमें भी एक भ्रातृत्व की भावना विकसित हुई कि वो भी हमारे दूसरे देश के जो लोग हैं वो भी हमारी तरह ही पीड़ित हैं इन कारणों के कारण, इसलिए वो उनके साथ में भी सहानुभूति रखने लगे। इसलिए फ्रांस की क्रांति ने समाजवाद, जो अल्टीमेटली बाद में कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया, उसका मार्ग प्रशस्त किया। निष्कर्ष से ये कहा जा सकता है कि फ्रांस की क्रांति ने जो यूरोप में एक्जिस्टिंग जो राजशाही थी, चाहे वो ऑस्ट्रिया हो, जर्मनी हो, इटली हो, इंग्लैंड हो, रशिया हो, इन सब बड़े जो राज्य हैं और जो भी छोटे राज्य हैं, इन सब में जो राजशाही एग्जिस्ट कर रही थी उनकी उनको एक तरीके से चेता दिया था कि जनता है वो अब जागरूक हो गई है और वो अपने अधिकारों की मांग कर रही है। इस कारण से नेपोलियन के अंत के बाद में जब वियना कांग्रेस 1814 में आयोजित की गई, तो वहाँ पर ये प्रयास किए गए कि जनता में जो उद्वेलित राष्ट्रीयता की भावना है और जो अपने अधिकारों के प्रति चेतना है उसको किस तरीके से खत्म कर दिया जाए, ताकि लोगों में क्रांति की भावना, यानी कि अपने राजाओं के विरुद्ध जो आक्रोश की भावना है वो नहीं पनपे, और फ्रांस जो है वो फिर से एक बार, जो कि फिर से एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में नहीं उभर सके, क्योंकि नेपोलियन के टाइम में बहुत ही शक्तिशाली हो गया था, लगभग पूरे यूरोप को एक्सेप्ट इंग्लैंड पूरे यूरोप को अपने अधीन कर लिया था। तो ये प्रयास किए गए कि जो फ्रांस में जो उत्पन्न जो विचारधारा है वो दूसरे राज्यों में ना पहुंचे, जिससे कि दूसरे राज्यों की जो राजशाही है वो एग्जिस्ट करती रहे, प्रिवेल करती रहे। दूसरा, जो फ्रांस है वो वापस से इतना शक्तिशाली नहीं हो जाए कि वो दूसरे राज्यों पर आक्रमण करना शुरू कर दे। इसलिए 1815 से लेकर 1848 तक का जो युग है वो प्रतिक्रियावादी रिएक्शनरी युग कहा जाता है, जिसमें जिसमें जो जनता की जो राष्ट्रीयता की भावना है उनको
खत्म किया गया और राजशाही को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया गया। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो भावना पनप चुकी थी वो एकदम से तो खत्म हो नहीं सकती थी, इसलिए फ्रांस की क्रांति ने फ्रांस और यूरोप को एक तरीके से पूरी तरीके से बदल कर रख दिया था। और ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन था जो कि लॉन्ग लास्टिंग परिवर्तन था। ऐसा कहा जाता है कि 1914 से पहले तक की जो भी विश्व में घटनाएं, यूरोप में जो घटनाएं हुई हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण घटना फ्रांस की क्रांति ही थी। इसका लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट पूरे पूरे यूरोप और अल्टीमेटली पूरे विश्व पे पड़ा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।